करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय ने आज भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर प्रमंडलीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक की। 11 बजे से शाम 5 बजे तक मंत्री ने अधिकारियों से उनके कार्यों का जायजा लिया और सबसे खराब जिनका कार्य रहा उनको फटकार भी लगाई। साथ ही साथ सनहौला व जगदीशपुर अंचल के अंचलाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि घंटों समीक्षा की है, बहुत जगह काम अच्छे से किए जा रहे हैं तो बहुत जगह लापरवाह पदाधिकारी साबित हुए हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। दो अंचल सनहौला व जगदीशपुर के अंचलाधिकारी का कार्य काफी खराब था, इस आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। आम जनता से भी अपील है कि आप भी सहयोग करें, आप अपना पुश्तैनी जमीन और जो भी संपत्ति है आपस में बंटवारा करें, इससे आपसी झगड़ा भी समाप्त होंगे। मोटेशन व जमीन संबंधी कार्यों में नीचे के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा हर कदम पर पैसे वसूले जाते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि पीछे से कुछ कुछ खेल वेल हो रहा है, ऐसे लोगों को अब पकड़ा भी जाएगा और FIR दर्ज भी की जाएगी। जमीन विवाद में नालंदा में हुए हत्या मामले में उन्होंने कहा कि सैकड़ों जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी इस बात को मान रहे हैं, इसमें जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। वहीं इस बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, DIG सुजीत कुमार, भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, बांका जिलाधिकारी सुहर्ष भगत, नवगछी ISP सुशांत कुमार सरोज समेत कई अधिकारी व जिलाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर प्रमंडलीय बैठक राजस्व भूमि सुधार विभाग का बैठक चल रहा था। यह बैठक पूरे बिहार में कमिश्नरी वाइज किया जा रहा है, जिसमें हमारे विभाग के सभी शीर्ष पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव विवेक जी के साथ टीम रहता है और स्थानीय कमिश्नरी लेवल के हमारे कमिश्नर साहब के साथ साथ DM, DM सभी लोग यहाँ आते हैं। इसमें ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन सुनवाई, ऑनलाइन परिमार्जन का मामला और पूरे जमीनी सुधार दखल दहानी का जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा होती है। सुबह 11 बजे से लेकर अभी 5 बजे तक बैठक हुआ है। समीक्षा उपरांत बहुत काम अच्छे तरीके से किए भी जा रहे हैं, बहुत जगह लापरवाह कर्मचारी पदाधिकारी साबित हुए हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है। उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हल्का कर्मचारी जहाँ सबसे वर्स्ट काम कर रहा है और वह बहुत अच्छे जगह पर बैठा हुआ है, वैसे लोगों को आदेश दिया गया है कि उनको सुदूर इलाके में वहाँ पोस्टिंग किया जाए। जो लोग गांव में रह के अच्छे काम कर रहे हैं उनको शहर में ला करके अच्छे से काम कराया जाए। जो दो अंचलाधिकारी हमारे हैं, एक सनौला और एक जगदीशपुर के हैं, जो काफ़ी वर्स्ट उनका परफॉर्मेंस था, इस आधार पर निलंबित किया गया है। बाकी यहाँ पर हमारे कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि सर मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हम लोगों ने अभी जो आपका लेटर आया, लेटर आने के बाद हम लोगों ने जो बैठक की तैयारी शुरू की, बहुत सारे चीज़ सामने में आ गए कि 4-5 दिन में शुद्ध किया गया है। उसी तरह मैंने आदेश दिया है कि कमिश्नर अपने स्तर से DM का मीटिंग करेंगे जिला में बांका जाके भागलपुर, और DM लोग ADM से मिल करके उसका बैठक करेंगे, और DCLR CO से बैठक करेंगे, CO कर्मचारी से बैठक करेंगे, और कर्मचारी को ये तय करना पड़ेगा, रोस्टर बनाना पड़ेगा CO के द्वारा कि किस हल्का में किस दिन बैठेंगे, और औचक निरीक्षण होगा और काम नहीं करने पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम साथियों से मेरा आग्रह होगा और आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक सुझाव भी है अपने आम जनता को कि ये विभाग को सुधारने के लिए सिर्फ विभाग ही नहीं सुधार पाएगा, इसको आपकी भी सहयोग की आवश्यकता है। तमाम हमारे पदाधिकारी हों, तमाम हमारे मीडिया के साथी हों, चाहे आम जनता हो, आप भी अपने ज़मीन के रक्षा सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ेगा। आप तमाम लोग नौजवान हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक एक चीज़ मैं सोशल पर ला रहा हूँ, नेटवर्क पर ला रहा हूँ और नेट के माध्यम से अब तो ऐसा सिस्टम हम बना दिए अपने biharbhoomi.com का, जो नेट जो हमारा सर्वर बहुत डाउन रहता था अब फ्रेंडली बनाया हमने कि अब मोबाइल से भी आप डाउनलोड करके सारा चीज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन रसीद कटवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्थिति देख सकते हैं। और नया चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सीमांकन का, अमीन नहीं था तो अमीन का पोस्टिंग हो गया, नक्शा नहीं था नक्शा का आदेश हो गया, अब हमारे पास रिकॉर्ड रूम नहीं थे, सभी रिकॉर्ड रूम बन के तैयार हो गए हैं। यानी आने वाला मैक्सिमम 1 महीना के बाद ऑनलाइन नापी के लिए आवेदन होगा, ऑनलाइन ETS मशीन है जो वो मशीन से मैपिंग करा करके आपका सीमांकन करा देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे और वो सर्टिफिकेट का मान्य होगा। यानी आने वाला समय
डिजिटल दुनिया में हम लोग आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना था और एक ऐसा प्रॉपर्टी कार्ड संपत्ति योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से चला रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में चलाया है संपत्ति कार्ड योजना। आपको ऐसा करेंगे कि जैसे टीएम कार्ड, कोई भी कार्ड आपका होता है लगाते हैं सारा विवरण आ जाता है, उस तरह से हम लोग आने वाले समय में वो कार्ड भी देंगे जिसे कि आप घर बैठे कहीं भी देख सकते हैं। और जो हमारा नौजवान साथी देश से बाहर है वो भी अपनी ज़मीन का मॉनिटरिंग कर सकता है, रसीद कटवा सकता है और सभी जगह राज्य के बाहर भी नक्शा ले सकते हैं। दो जगह प्लॉटर मशीन बम्बे में और दिल्ली में भी लगा हुआ है, ये सारी व्यवस्थाएँ हुई हैं। आप तमाम साथियों को मेरे तरफ से शुभकामना है और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आम जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप अपना पुश्तैनी ज़मीन, सरकार ने बहुत सारा अधिकार दिया है, अब आप पांच भाई आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, ये सरकार की गलती नहीं है, आपकी गलती है, तो आप पांचों भाई मिलकर के जमाबंदी को कायम करें, दादा परदादा का जो संपत्ति है उसको बंटवारा कर लें और निःशुल्क आपका सीओ के यहाँ जमाबंदी कायम हो जाएगा, रजिस्ट्री ऑफिस में हो जाएगा, डीसीलर के यहाँ हो जाएगा, ये बहुत सारा सुविधा है। इसको अगर करते हैं तो आने वाले समय में हमारा यह म्यूटेशन का मामला सॉल्व हो जाएगा और आपसी झगड़ा समाप्त हो जाएगा, भाई भाई को हत्या नहीं करेगा। इसलिए आप तमाम अपने जनता भाइयों से मेरा अपील है कि आप लोग आपसी बंटवारा जरूर करें, नहीं तो फिर कोई हार्ड कानून बना करके वो ज़मीन बंटवाने का काम मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद।